लहसुन के पत्ते ना सिर्फ खाने की गार्निशिंग या स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर क्या करें, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। आपके लिए क्या मुश्किल है, आप कुछ भी उगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी है, गमले हैं, तो कोई भी उगा सकता है। पर अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, गमला नहीं है, तो आप लहसुन कैसे उगाएंगे? बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये पानी में भी उग सकता है और आपको गमले ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लास्टिक के खाली पड़े बेकार बॉटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल कौन सी होगी, ये आप तय करें। रिजल्ट्स हमेशा आपको खुश करने वाले ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं, पानी में उगे हुए लहसुन हेल्दी हैं, इनकी रूट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और लहसुन की गांठें खराब नहीं हुई हैं। ये अच्छे से ग्रो करेंगी और आपको लहसुन के पत्ते भी खाने के लिए मिलेंगे और बाद में लहसुन की गांठ भी मिलेगी। हाँ, जैसी गांठ आपने लगाई है सेम वैसी गांठ ना मिले, पर पत्ते आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए हमने पार्टी के बाद बचे हुए कोल्ड ड्रिंक्स के खाली बॉटल्स का इस्तेमाल किया है और रसोई में पड़े हुए लहसुन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि पौधे उगेंगे। सिंपली हम सारे बॉटल्स के नेक को कट कर देते हैं। आप किचन में पड़ी हुई नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर क्राफ्ट वाले चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको कट करने के लिए आप गर्म चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कट और लगाएंगे। इसे मैं स्मार्ट कट कहती हूँ, आप चाहे जो भी नाम दें। ऐसा करने से हमारा लहसुन का जो पॉड होता है वो पानी में सबमर्ज नहीं होगा, वो डूबेगा नहीं बल्कि ऊपर सतह पर रहेगा। पानी में डूब जाने से लहसुन के बल्ब खराब हो जाते हैं, इसीलिए ये पानी के टच में भी रहेगा और डूबने से भी बच जाएगा। बॉटल के कटे हुए छोटे हिस्से को बड़े हिस्से में फिक्स करने के लिए हम बड़े हिस्से के सिरे पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इस तरह से। ऐसा करने के बाद इसमें हम छोटे वाले हिस्से को इजीली फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया ना। हम अब लहसुन की पोटी या पॉड डालकर इसे चेक भी कर लेते हैं। देखा, बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है बल्कि पानी की सतह पर ये टिका रहेगा, जिससे कि गांठें खराब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं। सिंपली आपने जितने पॉड लगाने हैं आप उतने बॉटल्स को इसी तरीके से रेडी कर लीजिए। हमने पांच लहसुन के लिए पांच तैयार किया है बॉटल्स को। लहसुन को आप एक्स्ट्रा छिलके हटा दें और टिप पर से हम हल्का कट लगा देते हैं। ऐसा करने से पत्ते तेजी से निकलेंगे। आप इस हिस्से को स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस पत्तों की ग्रोथ तेजी से होगी। पिछले हिस्से से जिससे जड़ आता है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरीके से इन्हें इसमें फिक्स करेंगे। इसके बाद बारी है इन बॉटल्स को पानी से भरने की। नेक तक हम बॉटल्स को भरेंगे। वन बाय वन सारे ही बॉटल्स में लहसुन को प्लेस करेंगे और सभी में पानी भर देंगे। और इसे रखना कहाँ है? जाहिर सी बात है, धूप वाली जगह में, यानी कि सनी प्लेस में हम इसे रखेंगे। आप चाहें तो अपने सनी विंडोज पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ कुछ घंटे की धूप तो इसे कम से कम जरूर मिलनी चाहिए। सुबह शाम की एक ही घंटे की धूप भी चल जाएगी। सिंपली जितना ज़्यादा धूप मिलेगा उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। इस्तेमाल के लिए पत्ते तोड़ने हैं तो हमेशा लोअर लीव्स को तोड़कर इस्तेमाल करें, अपर लीव्स को ना तोड़ें। तभी नए नए पत्ते निकलते रहेंगे और आप रेगुलर इनको यूज़ कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप भी एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।